اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. घटो उसको स्लीपर दे दो अजहान को। अरे अजहान खान क्यों लिखे? मिस्टर अजहान खान आपके नाम से तो सब जानते हैं मेरे को। अजहान के डैडी है, अजहान के दे। हाँ भाभी। हाँ। नहीं कहाँ देखे? आजू आजू रुको, रुको पापा का हाथ पकड़ के जाना ना। लिफ्ट बंद। अरे लेकिन लिफ्ट बंद है ना, पापा जल्दी जल्दी लेके जाएंगे हाथ पकड़ के। अच्छा आरू भाई का पकड़ लो। नमाज पढ़ के आए आजू? क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? आता है आपको? चला के दिखाओ। आए चश्मा पहनो। अरे वापस से दूसरा 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 येलो वाला, येलो वाला। हाँ चला। आए कंघी लेके आओ, आपका बाल बांधू और चश्मा पहनो। हाँ देख रही हूँ, देख रही हूँ, आप चलाओ। हाँ देख रही हूँ। वाह सही में कितना अच्छा चल रहा है आपका बेबले, तो आपको आता है? चलाओ ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था 15th रोज़े का, जो फ्राइडे था। अगेन ये व्लॉग है 22nd रोज़े का और वापस से ये फ्राइडे है रमज़ान मंथ का और ये सेकंड लास्ट फ्राइडे होगा इंशाल्लाह। अगले फ्राइडे को अलविदा जुम्मा होगा। तो चलो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं बनाने लगी हूँ इफ्तारी। तो मैंने ना यूट्यूब पे बहुत टाइम से एक चीज़ ट्रेंड में देख रही थी, जब भी यूट्यूब खोलो तो वो वाली रेसिपी तो आती ही थी, वो है ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप। तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी चिकन लिया था, ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने पीस लिया था मिक्सर में। अगर आप कीमा कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अच्छा उसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो डाला है मैंने, आप मिक्स हर्ब भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, मेरा ओरिगैनो ख़त्म हो गया था। तो जब भी हम पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना तो जो भी ओरिगैनो आता है या चिली फ्लेक्स आता है उनको मैं रख लेती हूँ, तो आगे काम ही आ जाता है वो। अच्छा उसके बाद मैंने डाला है विनेगर और ब्लैक सोया सॉस, फिर नमक डाल रही हूँ एज पर टेस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर एकदम मस्ट है ये डालना, ये है पिज़्ज़ा सॉस, ये ज़रूर डालना है आपने। तो ये मेरे पास था पिज़्ज़ा सॉस, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे भी पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हो, बहुत इजी है। चिली सॉस रहता है और टमाटो केचप रहता है, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, बस इन चीज़ों को मिक्स करके बेसिक सा पिज़्ज़ा सॉस बन जाता है, तो वो आप बना के डाल दीजिएगा। अच्छा वो मिक्सचर मैंने मैरिनेट करके साइड में रख दिया था, 10-15 मिनट्स के लिए हमने रखना है उसको। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म किया है, उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक घिस के डाला है और ग्रेट करके, और थोड़ा सा लहसुन मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाला है, थोड़ा सा भून लिया उसको। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको एकदम फाइनली चॉप करके लिया था मैंने, वो डाल दिया। इनको हल्का सामने भूनना है, इनका कलर नहीं चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक शिमला मिर्ची को भी बारीक चॉप करके डाल रही हूँ, इसको भी ज़्यादा नहीं पकाना है, हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ही भूनना है, इसका क्रंचीनेस मेंटेन रखना है हमने।
अच्छा अभी जो चिकन मैरिनेट करके हमने रखा था ना वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और अगर आप चिकन को पीस के भी लेते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप इनको ऐसे भूनोगे ना तो ये छोटे छोटे पीसेस में ही दिखाई देंगे आपको। अच्छा इसको ढक के हमने 7 से 8 मिनट पका लेना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगा तो उसी मॉइस्चर में इनको पकाना है। ये देखिए ये एकदम कीमा जैसे होने लगा है, जैसे अंडे की भुर्जी होती है ना उस तरीके से। तो अगर आपको लगे तो आप उसको यहाँ पर ऐसे फोड़ लीजिए चम्मच से। और एक साइड में मैं यहाँ पे तवे पे जो हमारे शेंग दाने होते हैं ना उनको भून रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है साबूदाना वड़ा। तो आज मैं 2 चीज़ स्पेशल बना रही हूँ, वो है साबूदाना वड़ा और ये ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा चिकन जो है ऑलमोस्ट पक गया है, ऑलमोस्ट क्या पक ही गया था पूरा। अभी इसमें 2-3 चीज़ें हमने और डालनी हैं। डाला इसमें टोमेटो केचप और पेरी पेरी सॉस, आप चाहो तो हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हो। और साथ ही मैंने डाल दिया मेयोनीज़, मेयोनीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर को पूरा, और थोड़ा सा हरा धनिया हमने डालना है काट के। उसके बाद इसको पूरा अच्छे से ठंडा होने देना है, तो इसको रख देते हैं एक साइड में और जब तक हम बना लेते हैं हमारे साबूदाना वड़ा का मिक्सचर। ये देखिए मैंने साबूदाना लिया था जिसको अच्छे से वॉश करके 2-3 पानी वॉश करके मैंने भिगा के रख दिया था 2-2.5 घंटे के लिए। अच्छा इसमें उतना ही पानी में इसको भिगाना है जितना पानी ये एब्जॉर्ब कर सके। और यहाँ पे ये भीग गया है पूरा अच्छा खासा, तो यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्ची काट के डाल दी है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, और मैं डालूँगी यहाँ पर थोड़ा सा भुने ज़ीरे का पाउडर, और फिर काले मिर्च का पाउडर डाल देना है हमने। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ, आप चाहो तो डालो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे थोड़ा सा चटपटा चाहिए था इसलिए मैंने मसाले ज़्यादा डाले हैं। और फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद यहाँ पे ना ये शेंग दाना जो मैंने भूना था उसको छील के अच्छे से उनको पूरा छिलका निकाल दिया था। उसके बाद उसको मिक्सर में कुछ सेकंड्स के लिए ही सिर्फ घुमाया था, एकदम बारीक नहीं करना है, वो डाल दिया है। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू थे जिनको मैंने ऐसे मैश करके डाल दिया है। साथ ही मैं डाल दिया हरा धनिया काट के। अभी थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अभी इनको बनाने के लिए ना थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लेना है, अदरवाइज़ ये ना हाथों पे स्टिक होते हैं तो अच्छे से बनते नहीं हैं। तो आप ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लीजिए, एक एक पोर्शन लेके ऐसे लड्डू के जैसे बना के उनको दोनों हथेलियों के बीच में रख के प्रेस कर दीजिए, बस अच्छा सा वड़ा बन जाएगा, वड़े का शेप मिल जाएगा इसको। तो इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए थे। अच्छा 15th रोज़े के बाद में डायरेक्ट 22nd रोज़े का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो बीच का एक हफ्ता था ना इसमें कुछ क्लिप्स मैंने ली है जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ में शेयर कर दूंगी। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें बीच में 1-2 दिन ऐसा था जो मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए बहुत टफ था। कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बट खैर अल्लाह की मर्ज़ी, और वो तो अल्लाह की आजमाइश होती है और अल्लाह रहम दिल है अपने हर बंदों को आजमाइश से निकाल देता है। तो खैर हम भी निकल के आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग भी मुझे देखते हैं वो प्लीज़ मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए हमेशा मुझे दुआ में याद रखिएगा, और बस और कुछ भी नहीं। तो चलिए फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा वो मैंने जितने भी वड़े थे वो बना के रख दिए थे साइड में, उनको सिर्फ फ्राई करना बाकी है। और अभी यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, तो ब्रेड के स्लाइस को ऐसे इसके जितने भी किनारे हैं ना चारों तरफ से हमने काट लेना है और एक स्क्वायर निकाल के लेना है इसका। और यहाँ पे मैंने ली है आइसक्रीम स्टिक, तो आइसक्रीम स्टिक को है ना जो मैदे की स्लरी हम बनाते हैं ना, एक हमने एकदम थिक बनानी है और एक हमने एकदम पतली बनानी है। तो जो थिक वाली स्लरी है उसको हम चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक में थोड़ी सी स्लरी लगाई, उसको ऐसे रख दिया ब्रेड के ऊपर, जो मिक्सचर बनाया था वो भी रख दिया ऐसे यहाँ पर, और ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस का एक स्क्वायर काट के रख दिया है।
और फिर जो दूसरा स्लाइस है ना उसके साइड्स में हम ऐसे जो हमारी थिक वाली स्लरी है वो लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर रख के इसको हमने अच्छे से चिपका लेना है। ब्रेड के साइड्स को ना इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये इजीली चिपक जाता है। अच्छा, जो मिक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा फील नहीं करना है, नहीं तो फिर साइड्स चिपकेंगे नहीं और फिर फ्राई करते टाइम पे वो फुट के बाहर आएगा। मैं एक और बना के दिखाती हूँ। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही बनाया है तो मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ें मुझे ईजी लगती हैं और ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो एक यहाँ पे मैं सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये थोड़ा बनाना है, लाइक 8-10 पीसेस बनाने हैं, 6-7 पीसेस बनाने हैं तो दैट इज़ ओके। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है एंड ऑल्सो इसको फ्राई करने में आप मैक्सिमम 3 पीस फ्राई कर सकते हो एट अ टाइम, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए अगर आप दावत वत में इसको रख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बहुत सोच समझ के आप ये बनाइएगा अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो। अगर थोड़ा बनाना है 4-5, 8-10 तो ईज़िली बना सकते हो, बट फिर भी टाइम तो लगता ही है। अच्छा देखिए, इस तरीके से फिर हमने जो पतली वाली मैदे की स्लरी बनाई थी ना उसमें डिप किया और ऊपर से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है। और अभी फ्राई कर लेते हैं हमारा साबूदाना वड़ा। तो मैंने ना कढ़ाई में जब साबूदाना वड़ा एक डाला ना तो थोड़ा सा फूट रहा था, आई डोंट नो व्हाई, तो फिर मैंने अलग से तवे में थोड़े तेल में इसको फ्राई करके ले लिया था और फिर बाद की क्लिप मेरी मिस हो गई है। मिस क्या हो गई है, फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था। और अभी मैं फ्राई करने लगी हूँ ये जो लॉलीपॉप थे ये, तो ये देखिए ये मैंने कढ़ाई में डाला एक। अभी आप देख सकते हो कितनी भी मतलब कितना भी ऑयल डालो कढ़ाई की जो कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से लेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दो, जब थोड़ा सा हो गया तब मैंने तीसरा डाला था। और इसको बहुत संभाल के आपने पलटी करना है, क्योंकि है ना जब आप इसको पलटी करोगे ना तो ये थोड़ा सा हैवी वेट है तो तेल छटक के बाहर आएगा, मेरे साथ में हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो बी केयरफुल। अच्छा, अभी हमारी इफ्तारी रेडी हो गई थी तो ये थे हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप, साबूदाना वड़ा, बटाटा वड़ा भी बना लिया था हमने और बाकी जो रोज़ बनता है मैंगो क्रीम, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े और मिर्ची और फ्रूट्स और चना, तो ये ऑन रेगुलर बेसिस हमारे घर पर होता है। तो बस अज़ान हो गई और अभी हम रोज़ा खोलने लगे। आज थी जागने वाली रात, जो बड़ी बड़ी 5 ताक रात होती है ना, तो उसमें से आज 23rd नाइट है, तो आज हम रात में इबादत करने वाले हैं। सोने की दुआ नहीं पढ़ना है, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका, नीचे बैठो, पहले नीचे बैठो, नहीं नहीं कुरान नहीं पढ़ने का, जाओ मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफवन तुहिब्बुल अफवा फाफवन्ना। अब आयत आप चुप बैठो, आप पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफवन तुहिब्बुल अफवा फाफवन्ना। अब इसको 100 बार बोलो, नहीं अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बोलो अज़ान, इन्नका अफवन तुहिब्बुल अफवा फाफवन्ना। हाँ, कुरान पढ़ने आता है, सुबह रोजा रखोगे नायत? क्यों? प्याज नहीं लगेगी, प्याज बेटा नहीं लगेगी, सुबह अच्छे से सुनो सुनो मेरी बात, सुबह अच्छे से खाना खा लेना, पानी नहीं पी लेना, दूध भी पी लेना, फिर रोजा रख लेना। आज आप रखोगे रोजा, आप रखोगे? हाँ रखोगे ना, क्या खाओगे रोजा रखोगे तो? मैंगो। पानी नहीं पियोगे ना दिन में? पियूंगी। पियूंगी? नहीं, रोजा रख के पानी नहीं पीना रहता है। मैं रोजा नहीं रखूंगी।
पानी नहीं पीना रहता है जब रोजा रहेंगे ना, ना खाना खाने का, ना पानी, ना दूध, ना बिस्किट, ना चॉकलेट, ना खिचड़ी, ना दही, कुछ भी नहीं। हाँ। ना मैंगो चलेगा? हाँ। रखोगे डायरेक्ट शाम में? देखो जब इफ्तारी करते हैं सब लोग, हाँ। बैठ के तब खाने का रहता है। हाँ। चलेगा? हाँ। उसका हाँ तो देखो, चलेगा ना? हाँ। और आयत आपको क्यों आयत? आप आपकी जितना आरू भाई था ना, तो 13-14 रोजा रखा था। उसको चलता है, तो आपको क्यों नहीं चलता है? अच्छा, रमज़ान में ये जो बड़ी बड़ी 5 रातें होती हैं ना, 21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th, उन रातों में एक दुआ ऐसी है जो हमने ज़रूर पढ़नी होती है। वैसे तो आप में से सबको ही पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए ये दुआ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आने वाली बड़ी रातों में ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. अच्छा, फिर सहरी का टाइम हो गया था, तो हमने सहरी कर ली थी और फजर की नमाज़ भी हमने आज घर में ही पढ़ी थी सबने साथ में। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ की लिफ्ट बंद है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सीढ़ियों से आना और जाना। तो और नमाज़ पढ़ा रहे थे अब्बू, मेरे फादर इन लॉ। और बस यही था मेरा 22nd रोज़े का व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि पिछले एक हफ्ते में हमने क्या क्या किया और कौन सा टफ़ टाइम आया था मेरे पे वो 2 दिन। तो खैर, फ़िलहाल सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी के लिए व्लॉग एंड कर रही हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।